गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हैव और हैज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब सब कोई को ध्यान से सुनना है कि हैव की स्पेलिंग एच ए वी ई हैव होती है, डोंट रिपीट। और हैज की स्पेलिंग एच ए एस हैज होती है। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को एक बार पढ़ाई थी कि लड़कों के लिए ही होता है या सी होता है? ही, वेरी गुड। और लड़कियों के लिए सी, ठीक है। अब तुम लोग को एक बात सुनना है ध्यान से, ठीक है। देखो, ये पेन है, है ये पेन मेरे पास है, है ना। अब मुझे इंग्लिश में बोलना है कि यह मेरा पेन है, ठीक है, या ये पेन मेरे पास है, है ना। ये किसके में मुझे बोलना है कि मेरे पास एक पेन है। क्या बोलना है? मेरे पास एक पेन है। तो मैं इंग्लिश में मैं के लिए आई होता है। क्या होता है? आई, ठीक है। तो तुम लोग जाकर के क्या बोलोगे? आई हैव ए पेन, ठीक है। अब सब कोई को मैं एक एक करके दे रही हूँ, सब कोई को मैं एक एक करके दे रही हूँ। जैसे नव्या के पास कैप है, तो नव्या मुझे बोलेगी इंग्लिश में कि नव्या के पास एक कैप है। नव्या क्या बोलोगी इंग्लिश में? आई हैव ए कैप। समझ में आया? तुमको इंग्लिश में बोलना है कि मेरे पास एक कैप है, तो बोलोगे आई हैव अ कैप, ठीक है। अब वेद के पास क्या है? वेद, तुम्हारे पास ये कॉपी है, तुम क्या बोलोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेरी गुड वेद, बहुत अच्छा, सही सही बोला है। जब वेरी गुड वेद। अब ऋषि, ऋषि के पास एक पेन है, पेंसिल है। ऋषि क्या बोलेगा इंग्लिश में? वेरी गुड ऋषि। अब ये प्रणेश के पास एक बॉटल है, प्रणेश क्या बोलेगा इंग्लिश में? हाँ, तो कुछ भी बोलो। आई हैव ए बॉटल। वेरी गुड। अब तुम्हारे पास एक एक पेंसिल बॉक्स है, क्या बोलोगी? आई हैव ए पेंसिल बॉक्स। वेरी गुड। तुम्हारे पास एक टिफिन बॉक्स है, क्या बोलोगे? आई हैव टिक आई हैव अ टिफिन बॉक्स। अब तुम बोलो, तुम्हारे पास एक वेरी गुड आई हैव अ बुक। अंडरस्टूड है? Mom. तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि आई का मतलब मैं होता है, और जब हमारे पास कुछ रहेगी तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे मेरे पास क्या है? एक मोबाइल फोन है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी आई हैव अ मोबाइल फोन। ओके, अंडरस्टूड है? अब सिमिलरली अगर मैं कहूंगी तुम्हारे पास, मतलब नव्या के पास, तो मैं बोल तुम का इंग्लिश होता है यू। क्या होता है? यू, वाई यू। पहले स्पेलिंग समझो, वाई ओ यू, वाई ओ यू। यू मतलब तुम, ठीक है। अब मैं प्रणेश को बोल रही हूँ, प्रणेश तुम्हारे पास एक शर्ट है, तो मैं क्या बोलूंगी? यू हैव अ शर्ट। क्या बोलूंगी? यू हैव अ शर्ट। अब नव्या तुम इसको बोलो कि तुम्हारे पास एक बैग है, क्या बोलोगी इंग्लिश में? आई हैव अ बैग। आई तुम, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास, इसको दिखा के बोलो, क्या बोलोगी? यू हैव अ बैग। हाँ, अब तुम इसको बोलो नव्या के पास एक कैप है, क्या बोलोगी इंग्लिश में? यू हाँ, यू हैव अ कैप। गुड। अब ऋषि बोलेगा, ऋषि तुम इसको बोलो इसके पास एक पेंसिल बॉक्स है, क्या बोलोगे उसको दिखा के? यू हैव अ पेंसिल बॉक्स। हाँ, जब दूसरे को बोलना होगा तो यू, और जब खुद के बारे में बोल रहे हो तो आई हैव।
और दूसरों को बोलोगे तो यू। अंडरस्टूड है सबके पास? सबको अंडरस्टूड है? समझ आ गया? अब तुम इसको इंग्लिश में कुछ बोलो। यू हैव अ कुछ भी बोलो। यू हैव अ हैट। यू हैव अ हैट। यू हैव अ कैप। यू हैव अ बॉल। और यू हैव अ बैट। बैट। यू हैव अ पेंसिल बॉक्स। यू हैव अ क्रिकेट।